माओवादी विस्फोट में शहीद हुए प्रधान आरक्षक विक्रम यादव को नम आंखों से राजकीय सम्मान के साथ शहीद के गृहग्राम में अंतिम भावभीनी विदाई दी गई। इसमें क्षेत्रवासियों सहित जनप्रतिनिधि और उच्च अधिकारी मौजूद रहे। किरंदुल के एसएसआर प्लांट के पास चोलनार में हुए बड़े नक्सली हमले में 7 जवान शहीद हुए, जिसमें विक्रम यादव भी शामिल थे। शहीद जवान प्रधान आरक्षक 16वीं बटालियन नारायणपुर हेड ऑफिस में पदस्थ थे। विक्रम यादव 2011 में सेना में भर्ती होकर जाबाजी से अपनी जिंदगी देश के नाम कर दी और लाल आतंक से लड़ते हुए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। जैसे ही शहीद विक्रम यादव का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा गांव पहुंचा, जिसे देखकर पूरा गांव गमगीन हो गया। क्षेत्र के बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई अपने वीर सपूत का अंतिम दर्शन करना चाहता था, जिसने नक्सलियों से क्षेत्र की रक्षा में अपनी शहादत दे दी। कोंडागांव एसपी अभिषेक पल्लव ने कहा कि शहीद के परिवार को जो भी जरूरत होगी वो संभव मदद की जाएगी। जवान ने देश रक्षा के लिए अपनी जान दी है, उसे व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। विक्रम यादव ये हेड कांस्टेबल 16वीं बटालियन जो नारायणपुर हेडक्वार्टर है उसमें पदस्थ थे। 2001 की भर्ती थी, अभी हेड कांस्टेबल पद पर थे। जैसा वो पता होगा किरंदुल में कल रोड ओपनिंग पार्टी सामान पहुंचाने के लिए जयगुंडा रणपुर रोड में ये गए थे। उसमें वापसी में जो गाड़ी को ब्लास्ट किया गया उसमें 7 लोग थे, 7 जवान शहीद हुए हमारे, उनमें से ये एक हैं। इनकी पत्नी और 2 बच्चे हैं। पुलिस की तरफ से जो एक्सपेरेंस 50,000 रुपये हैं वो तुरंत दे दिए गए हैं, और आगे भी जो भी जरूरत पड़ेगी और जो भी फॉर्मेलिटीज होगी इनके कंपेशनेट ग्राउंड पे जॉब देने के लिए और बाकी चीज़ें, फिर पुलिस परिवार जो है हमेशा आगे रहेगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.clips.in।